तो ये दो मेन है जो चलाना है, तीसरा ये रबड़ बुलेट है जो ऐसे चलाया वैसे ये भी चलता है, रबड़ बुलेट है। बस एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, खुलता है पकड़ो, ये खुलता है ऐसे, इसको पकड़ के उठा लीजिए, बस खुलता है, इसमें डालिए और बंद कीजिए। और वो आपने एंटी राइट देख ही लिया है, वो कॉक कीजिए उसको उसमें और उसके बाद डालिए। ये दो चीज़ें बस चलाने के लिए हैं। एक वो लाइए, वो चला ग्रेनेड्स, ये वाले ग्रेनेड्स लाइए। अब ग्रेनेड डीएम साहब, इसको डीएम साहब चलाएंगे, लीजिए चलाइए, आगे चलाओ, चलाओ तुम्हारा देखा है। इसका भी तरीका वही, इसको भी सीधा मत मारिएगा, जनरली नीचे रबर बुलेट्स को भी सीधा नहीं मारा जाता है। वैसे ये वाला जो रबर बुलेट है ये सीधा मार सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस होना चाहिए एटलीस्ट 50 मीटर 100 मीटर होना चाहिए कि आप मारने से पहले, क्योंकि इसमें भी सिंगल रबर बुलेट है और मोटी रबर बुलेट होती है, उससे भी चोट तगड़ी लगती है। आप इसको जस्ट पहले मार सकते हैं उड़ के, जो रिकोचेट है, बस एंटी राइट का ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग दुश्मन से नहीं लड़ रहे हैं, हम सेना पे नहीं है कि हम सेना से लड़ रहे हैं, हमें पब्लिक का मिनिमम डैमेज करके इस पूरे तमाशा को बंद करवाना है, पास करना है। इसमें दो चीज चल सकता है, इससे रबड़ बुलेट भी चल सकती है और इससे आंसू गैस वाला गोला भी चल सकता है, ये शेल है। मैं आंसू मार रहा हूँ, मार रहा हूँ। इसको चलाने का तरीका हमेशा कंधा पे रख करके इसको ऊपर मारा जाता है, इसको नीचे मत मार देना, ठीक है। मान लीजिए कितना डिस्टेंस उसके हिसाब से उसको तय करना पड़ेगा, तो मैं शेड्स को स्पेशली बताने की आवश्यकता है, मेरे ख्याल से आपको चलाने की आवश्यकता ना पड़े ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे साथ रह के मैं शेड्स ने चलाया है, CNRC मैंने मजिस्ट्रेट चलाते हुए देखा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग। हम लोग हापुड़ में थे तो चला रहे थे मजिस्ट्रेट्स, आवश्यकता पड़ेगी आपको किसी दिन। मान लीजिए भीड़ उसके पास है जो हेलीपैड है, अगर सीधा मारोगे तो ये चला जाएगा उसके बाहर, बाउंड्री के बाहर कर देगा, वो जो बाउंड्री है बाहर उसके बाहर चली जाएगी। थोड़ा सा ऊपर रख के मारना होता है, एंगल पे रख करके, इसमें हवा का रुख इम्पोर्टेंट है। अगर हवा उधर से इधर आ रही है, मान लीजिए उस तरफ से इस तरफ आ रही है और भीड़ वहां पे है, तो भीड़ के पीछे मारेंगे आप, ताकि हवा से वो भीड़ के ऊपर आए। इसको चलाना है तो हमेशा जो व्यक्ति भीड़ है, भीड़ से लगभग 5 मीटर 10 मीटर पहले जमीन पे मार दीजिए, जमीन पे गिरते ये टूट के उड़ेगा, हटिए सामने से, हटिए, अभी देखिएगा उड़ेगा ये, मैं सामने ही मार देता हूँ, दिख रहा है जाते हुए ब्लैक, ये ब्लैक प्लेट देखते हैं, ये जमीन पे गिर के टूटता है, तो यहाँ से सीधा उतना इम्पैक्ट नहीं है, वहाँ भी